मोहल्ला में बहुत सारा काम चल रहा है गाइस, इधर भी काम चल रहे हैं। हाँ जी, हाय बोलो इधर। हाय, तो इधर से मेरा सिस्टर भी आ गया गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी चल रही है यहाँ। हाँ, बैठी हुई है मेरी बेटी है, ये लगता नहीं है लेकिन ये मेरी बेटी है। क्या गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग उदय राजवार ऑफिशियल में आप सभी को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज, आज मॉर्निंग के 9 बज गए हैं, फिर भी धूप नहीं निकला है क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब है। आज हम ब्रश करके रेडी हो गए गाइस, बस नाश्ता अभी तक किए नहीं है। आज मौसम चेंज कर रहा है गाइस, क्योंकि आज जैसे कि बारिश होगा उसी तरह मौसम कर रहा है। तो मॉर्निंग के 9 बज गए हैं गाइस, फिर भी नहीं लग रहा है कि मॉर्निंग के 9 बज गए हैं, ऐसा लग रहा है कि सुबह ही हो रहा है क्योंकि मौसम चेंज किया है। तो थोड़ा सा धूप भी नहीं है, इसी के चलते लग रहा है सुबह हो रहा है, तो लेकिन टाइम भी निकला हुआ जा रहा है। नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस, जैसे कि मॉर्निंग का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। तो ये रहा हम लोग का मोहल्ला, जो कि सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है मॉर्निंग का नज़ारा। तो उधर से मैं सुबह सुबह ही नहा लिया हूँ गाइस आज, तो सुबह का खाना एक ही बार में बनाया गाइस, जैसे कि दोपहर में खाना बनता है तो एक ही बार में सुबह का और दोपहर का भी बना दिया इधर। तो आज का खाना आप लोग को इसलिए नहीं दिखाया गाइस क्योंकि आज का खाना बहुत ही खराब बना है, क्योंकि जो है पूरा गीला कर दिया सिस्टर पूरा। कहाँ चल गई थी चढ़ा के, चूल्हा पे चढ़ा के कहाँ चल गई, तो पूरा गीला हो गया था। तो खाना जो बहुत बेकार बना था गाइस, इसी के लिए आज आप लोग को खाना दिखाई नहीं। तो इधर से तो सिस्टर है नहीं, तो ये मेरा भांजी। हाय बोलो इधर। हाय बोलो। तो ये शर्मा रही है, तो मेरा भांजी जा रही है बर्तन धोने के लिए। तो आज सिस्टर है नहीं, अभी कुछ काम से गई है बाहर तरफ, तो मेरा भांजी इधर जा रही है बर्तन धोने के लिए। तो खाना आज बहुत ही ख़राब बना था गाइस, तो इसमें दाल भी थोड़ा सा छूट गया है, जो कि और कोई खाएगा नहीं, तो खा पी के सब रेडी हो गया है। तो चावल जो था गाइस बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया था, तो फिर भी क्या करें, मजबूरी में खाना पड़ता है। तो और खाना भी नहीं था ऐसा, तो वही गीला चावल अभी खाए गाइस, जस्ट अभी खा के इसमें उठे। चावल बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया गाइस आज, बहुत ही ज़्यादा, तो पूरा ख़राब हो गया है। तो इतना बच गया तो कोई खाएगा भी नहीं, क्योंकि गीला चावल खाने में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। कल जैसे कि ये रूम दिखाए थे गाइस आप लोग को, तो ये पूरी तरह से सिस्टर इसको पूरी तरह से नीप के कंप्लीट कर दी है, जो कि कल पोताई निपाई हो रहा था, तो आज पूरी तरह से कंप्लीट करके रख दिए सिस्टर। तो अभी तक सूखा नहीं है गाइस, गीला ही है पूरा, ज़मीन पूरा गीला ही है, तो अभी तक अच्छा से सूखा नहीं है। दूध गर्म हो रहा है जो कि रात में पीते हैं हम लोग, तो यही अभी गर्म हो रहा है, तो अभी गर्म करके रख देगी अभी सिस्टर, सिस्टर ही चढ़ाई है इसको अभी। तो आज सुबह सुबह का खाना बहुत ही बेकार बन गया था गाइस, बेकार नहीं मतलब जैसे कि चावल गीला हो गया था, तो चावल गीला हो गया था तो खाने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा भी नहीं गाइस। तो उतना चावल तो फेंका तो जा नहीं सकता है गाइस, तो वही हम लोग मजबूरी में खा लिए। कोई बात नहीं, सिस्टर का गलती नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ कोई था नहीं, तो चढ़ा के चूल्हा पे चढ़ा के चल गई थी, तो कोई था नहीं रूम में, घर में और कोई था नहीं, तो इसी के चलते चावल पूरी तरह से गीला हो गया कल था। रात वाला रोटी है गाइस, तो इसके लिए कोई सब्जी नहीं था, तो इसी के चलते खाए नहीं, सिर्फ ये दाल था, तो दाल के साथ रोटी हम खाते नहीं है। ये लिए रोटी खाए नहीं गाइस। छत आ गया हो गाइस, क्योंकि नहा के आए, तो ये मेरा गीला ही है, तो इसको पहले लगा देते हैं, जो कि धूप में सूख जाएगा। यहाँ पर लगा देते हैं जैसे कि धूप में सूख जाएगा। आज खास कुछ धूप है नहीं गाइस, क्योंकि सुबह सुबह से मौसम चेंज कर दिया है, तो आज धूप ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि धूप थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है, बस थोड़ा थोड़ा जैसे कि गर्मी महसूस हो रहा है, तो धूप ऐसा लग नहीं रहा है। भाई लोग उधर काम कर रहे हैं, जो कि दीपावली का तैयारी कर रहे हैं गाइस। ओए हाय बोलो, हाय हाय बोलो, तो सुन नहीं रहा। दीपावली का तैयारी कर रहे हैं, हाय बोलो हाय। तो ये घर को साफ सफाई कर रहे हैं, जो कि कलर कर रहे हैं घर को। तो मोहल्ला में बहुत सारा काम चल रहा है गाइस, इधर भी काम चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ इधर भी काम चल इधर भी काम चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ घर बन रहा है, इधर कर रहे हैं गाइस। हम फटाफट से नीचे चलते हैं गाइस, क्यों यहाँ कटहल का पत्ता कौन ला के रखी है, जो कि सिस्टर ही लाई होगी बकरी को खिलाने के लिए। तो गाइस मैं घूमते घूमते इधर आ गया हूँ, जैसे कि यहाँ बैठी हुई है मेरी बेटी है, ये जो कि लगता नहीं है लेकिन ये मेरी बेटी है, क्या है ना। तो ये शर्मा रही है बहुत। तो आज हाय, अभी शाम का मौसम है गाइस, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर, तो नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो घूमते घूमते मैं बाहर तरफ आ गया था। जो भाई ने कमेंट किया था कि भाई बाहर का व्यू दिखाओ हमको, बाहर का व्यू लो, इसी के चलते हम बाहर तरफ आ गए थे। जैसे कि ये हम लोग का मोहल्ला रहा, तो थोड़ी ही दूर में जैसे कि यहाँ बैठी हुई है मेरी बेटी, जो दूर से ही हमको नज़र आया, तो यहाँ पर आ गए हम। तो इधर से मेरा सिस्टर भी आ गया गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी चल रही है यहाँ, आवाज़ नहीं आ रहा है। इधर से मेरी सिस्टर भी आ गई है, जैसे कि बोल नहीं पाती है, तो वही सिस्टर है। तो ये बोल नहीं पाती है, जैसे कि अगले ब्लॉग में आप लोग को बता चुके हैं, तो ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी बेटी, जो कि इसकी मेरी बेटी की फुआ है ये, जो कि नाना जैसे कि फुआ है ये। तो इसका हाल ही में शादी हुआ गाइस, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है।
खाना इतना खराब बनाई है सिस्टर की मत पूछो गाइस। जैसे कि अभी दिखाए आप लोगों को तो खाना में चावल जो है कि पूरा गीला कर दिए सिस्टर इधर, और उसी के चलते इधर आके बैठी हुई है। कोई हमको बोले ना तो घर में ये थी नहीं, तो इधर हम घूमते घूमते आए तो देखें इधर बैठी हुई है। कुछ बोली नहीं तुम? हाय बोलो। हाय तो ये बोलती नहीं है, तो बोल नहीं पाती है, बचपन से ही ऐसा है कि ये बोल नहीं पाती है। धीरे धीरे बहुत सारा बच्चा आने लगा गाइस, जैसे कि हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं तो बहुत सारा धीरे धीरे बच्चा इधर आने लगा, और एक इधर रो रहा है। मेरा बेटा है तो भतीजा है, भतीजा हाय बोलो हाय। तो ये बहुत रो रहा है ये। देखिए धीरे धीरे इधर बहुत सारा बच्चा आ गया, तो हमको देख के ही आ गए, जैसे कि हम यहाँ ब्लॉग बना रहे हैं तो इन लोग कभी देखा नहीं है बाहर में ब्लॉग बनाते हुए, तो देखा अचानक से, तो वो दूर से ही देख रहा है तो सोच रहा है कि क्या कर रहा है इन लोग। चलते धीरे धीरे बहुत सारा बच्चा यहाँ आने लगा, तो शाम का मौसम है गाइस, तो बाहर तरफ इधर निकलता है बच्चा लोग खेलने के लिए, तो हम भी बाहर तरफ ही निकले थे। तो जैसे कि देखें यहाँ सिस्टर बैठी हुई है और इधर मेरी बड़ी बेटी जो कि बैठी हुई थी, तो इसी के चलते हम इधर आ गए। तो आज तो सुबह से ही ब्लॉग बनाते बनाते शाम हो गया गाइस, क्योंकि छोड़ छोड़ के ब्लॉग हम किए तो क्वालिटी आ नहीं रहा है, तो शाम हो ही गया इधर से। आज का ब्लॉग में आप लोगों को तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएगा गाइस, उसके लिए सॉरी। तो आप लोग वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करना गाइस। तो आज का ब्लॉग देखने में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो पोस्ट करो तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। तो आज का ब्लॉग तो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय।